मैं न्यायपालिका के निर्णय से के साथ कोई गलत नहीं किया है। कुश्ती संघ अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान, कहा मैं उत्तम न्यायालय के फैसले का करता हूं स्वागत। मुझे अपने कर्म के ऊपर भरोसा है कि किसी के साथ मैंने कोई गलत नहीं किया है, मुझे इंसाफ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24, मैं हूं आपके साथ रोहन सोनकर। इस वक्त की बड़ी खबर, पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच गोंडा पहुंचे भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपने गौशाला में गायों और घोड़ों को गुड़ खिलाया। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूं और बेहद प्रसन्न हूं, और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरा सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। न्यायपालिका से बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं है, मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं हूं। देखिए, मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूं और बेहद प्रसन्न हूं, और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं इस देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, FIR लिखने का आदेश हुआ है। यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि FIR लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और FIR लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ, मुझको मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। सर, किस तरह से देखते हैं, मतलब अब इस जांच के बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा आपको? देखिए, मैं उस समय भी मैंने कोई सवाल नहीं उठाया था जिस समय ओवरसाइट कमेटी बनी थी, उस समय भी कोई सवाल मैंने नहीं खड़ा किया था, और मैंने हर नियम कानून को माना था, और इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया, और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं लेकिन ये नहीं मानेंगे। सांसद जी, जिस तरह से पहलवानों ने पहले विरोध किया था, फिर हट गए थे, फिर दोबारा आ गए, तो कहीं देखिए, इसे इस पर मुझे नहीं करना, इस पर बहुत बातें आ चुकी है, इस पर मुझे नहीं करना। हम कह रहे हैं कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूँ। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया, IO ने जो जाँच कमेटी बनाई उसका स्वागत किया, जो ओवरसाइट कमेटी बनी उसका स्वागत किया, अब मैं इसका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पर मुझे भरोसा है, मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है और मुझे इंसाफ मिलेगा। गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट।